हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y27 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की ना हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन हैंग करता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, फ़ोन को रिस्टार्ट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली के दबा के रखना है। तो आपका जो है ना स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको ना रिस्टार्ट पर टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है ना, इन सभी ऐप्स को रीसेट करना है, यानी कि इन सभी ऐप्स का डेटा क्लियर करना है। कैसे, देखिए अगर आप अपने मोबाइल फोन के किसी भी ऐप को आप उंगली से दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको ना ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे टैप करना है। आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा ऐप इन्फो का, इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको इसे पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है। आपका एक पेज आएगा डिलीट ऐप डेटा का, इसमें आपको डिलीट का ये बटन टैप कर देना है। तो आपका ये जो डेटा और ये जो कैच है, इन दोनों के सामने वाला डेटा आपका ये जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है, जिससे आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको एक काम और करना है, देखिए आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है ना, सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन आपको बंद करने हैं। ठीक है, कैसे, देखिए आप जब साथ के साथ ये जो डेटा क्लियर करेंगे ना, इसके पीछे वाले पेज पे जाना है, साथ के साथ आपको उसी ऐप का जो है ना नोटिफिकेशन भी बंद करते जाना है। ठीक है ना, आपको ये जो स्टोरेज एंड कैच के ऊपर ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। यहां पर आपको ये सबसे ऊपर वाला नोटिफिकेशन अगर ये चालू मिलता है ना, तो इसे आपको बंद करके रखना है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से मोबाइल फोन के सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करने हैं, जिससे आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ध्यान रखिए, आपको जो है ना सिर्फ उन्हीं ऐप्स के नोटिफिकेशन चालू रखने हैं जिन ऐप्स की नोटिफिकेशन की जरूरत है, बाकी सबके बेकार में जो है ना फालतू के नोटिफिकेशन आपको बंद करके रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके यहाँ पर इस वाले पेज में नीचे की साइड कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है अगर, तो आपको उसे टैप करके अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम आपको ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं, सभी ऐप्स को भी आपको अपडेट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में सबसे ऊपर राइट साइड के टॉप पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है। यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको मैनेज ऐप पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको है ना ये अपडेट अवेलेबल के नीचे आपको सी डिटेल पे टैप करना है। तो यहाँ पर आपको इस वाले पेज में ना वो सभी ऐप आपको दिखाई देंगे जो आपके अपडेट नहीं है। ठीक है ना, तो इन सभी ऐप्स को यहाँ पर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस करना ये है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,